Hi guys, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we are going to know about the place which is known as the center of the Rig Vedic Aryans or Early Vedic Aryans. इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा स्थान है जिसे Rig Vedic Aryans का या पूर्व वैदिक काल के आर्यंस का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऋग वैदिक काल का केंद्र या पूर्व वैदिक काल का केंद्र कहा जाता है। देखिए यहां पर पहले मैं एक मैप बना लेता हूं। ठीक है, एक हम मैप बना लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि भरसक ठीक ठाक मैप बन जाए हाथ से, और आपको भी कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये लगभग हमने एक मैप बनाया। ठीक है, मोर और लेस इसे आप समझिए कि थोड़ा और इसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं इसे। हम थोड़ा गड़बड़ हो रहा था तो थोड़ा सा और बेटर इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक मैप बना लिया, रफ मैप है। ठीक है, अब देखिए हमें समझना है कि कौन सा वो क्षेत्र है जिसे ऋग वैदिक काल का या ऋग वैदिक पीरियड का हम केंद्र कहते हैं, उसे ऋग वैदिक पीरियड के केंद्र के रूप में यानी सेंटर के रूप में जाना जाता है। देखिए वो क्षेत्र है ब्रह्मावर्त। ठीक है, याद रखिए ब्रह्मावर्त वो क्षेत्र है, और इसे हम समझेंगे कैसे। देखिए ये मैंने ये बनाया, मैं बार बार बताते रहता हूं आपको कि ये जो है ये इंडस नदी बह रही है। ठीक है, ये इंडस यानी सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, और यहीं पर देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। ये हो गया झेलम। ठीक है, उसके बाद ये चेनाव। ठीक है, उसके बाद चेनाव के बाद ये रावी, जिसे पुराने समय में परोशनी नदी कहते थे। देखिए इंडस यानी सिंधु रिवर, सिंधु को सिंधु ही कहते थे, सिंधु यानी इंडस को सिंधु ही कहते थे। इंडस को अंग्रेजी में इंडस, हिंदी में सिंधु, तो वही नाम रहेगा। और ये उसके बाद ये झेलम है, तो झेलम को कहते थे विदास्ता, प्राचीन नाम। उसके बाद झेलम के बाद चेनाव को अस्करी कहा जाता था, मैं बार बार मैंने बताया है आप लोगों को, याद रखिएगा। रावी को परोशनी रिवर कहा जाता था, परोशनी नदी। उसके बाद है ये व्यास नदी होगा, तो व्यास ऐसे देखिए ये है सतलज नदी पहले, और उसके बाद इसी से निकलती हुई ये व्यास नदी है। व्यास को वितास्ता कहा जाता था और सतलज को सप्तरुधि कहा जाता था। तो देखिए ये जो प्लेस है, ये जो पांच नदियां हैं इनको लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब के क्षेत्र में ये पड़ेगी, और भी क्षेत्र है लेकिन पंजाब के क्षेत्र में विशेष तौर पे ये पड़ेगी। ठीक है, तो ये पंजाब, इनको पंजाब को कहा भी जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। ठीक है, और ये जो है ये सिंधु नदी है, जो कि क्या है, मेन रिवर है, और ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां। अब देखिए एक और नदी यहां बहती थी कभी, जिसे कहते थे सरस्वती। ठीक है, अब ये लुप्त हो गई है, डिसअपियर हो गई है, लेकिन वर्तमान में जो घग्घर नदी बहती है राजस्थान में, उसे सरस्वती का ही एक फॉर्म माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए
ये सरस्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है इसे। ये घग्गर नदी को, ये तो सरस्वती है ही, कभी सरस्वती नदी यहां बहती थी, ये सरस्वती है ठीक है, लेकिन आज जो राजस्थान में घग्गर नदी बहती है उसे सरस्वती का ही स्वरूप माना जाता है। सरस्वती जो है कहा जाता है कि डिसअपीयर हो गई, विलुप्त हो गई। तो सरस्वती और ये जो छह रिवर और ये सरस्वती, तो सात नदियां हो गई टोटल। तो इस क्षेत्र को कहा जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है, सरस्वती को लेते हुए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं, ये दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। देखिए दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र इस तरह से बन सकता है, ठीक है, दिल्ली हरियाणा का ये क्षेत्र है लगभग, मोर और लेस आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र है। उसके बाद ये तो सप्त सिंधु प्रदेश हो गया, कौन सा, इंडस से लेकर ये सारे रिवर्स जो हैं इनको ले लीजिए आप, इंडस यानी सिंधु, उसके बाद झेलम, चेनाब, और उसके बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, और फिर सतलज, और ये सरस्वती, सात नदियों का जो ये है ना कॉम्बिनेशन है। तो ये जो सात नदियों को लेकर जो एरिया बन रहा है इसको कहा जाएगा बेसिकली सब एरिया को सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश ध्यान दीजिएगा, ये सप्त सैंधव प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा दिल्ली का ये क्षेत्र जो है ये हो गया ब्रह्मावर्त, ठीक है, तो ब्रह्मावर्त को ही कहा जाता था, ठीक है, ब्रह्मावर्त को ही कहा जाएगा ऋग्वैदिक काल का केंद्र या ऋग्वैदिक आर्यंस का केंद्र, हाँ, सेंटर ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस या सेंटर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, केंद्र, क्योंकि देखिए यहां पर ये देखिएगा, इसके बाद ये गंगा नदी और ये यमुना नदी, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये गंगा और यमुना नदी जो है, तो ये गंगा और यमुना नदी और इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा इसे कहा जाता था ब्रह्मर्षि प्रदेश। देखिए ये हो गया ब्रह्मावर्त, ये जो है ब्रह्मावर्त, ठीक है, अब ये हो गया आपको गंगा नदी और यमुना नदी और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये कहा जाएगा, ये जो क्षेत्र है तो ये कह दिया जाएगा आपको ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है, ये कह दिया जाएगा ब्रह्मर्षि प्रदेश। उसके बाद देखिए ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश, उसके बाद देखिएगा ये है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, यह है विंध्य पर्वत। तो कहा जाता है यही नर्मदा नदी भी बहती है, विंध्य पर्वत बिल्कुल बीच से जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बीच से जाएगी, तो यह विंध्य पर्वत है। तो कहते हैं कि यह हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, और विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था मध्य देश, ठीक है, ये जो हो गया ये मध्य देश हो गया, ये पूरा ये क्षेत्र जो हो गया ये मध्य देश कहा जाता था, ठीक है, ये मध्य देश कहा जाएगा। तो हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र, तो ये मध्य देश कहा जाता था, ये मैं लिख देता हूं, ये है मध्य देश, मध्य देश, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि ये जो ब्रह्मावर्त है बेसिकली ये सतलज नदी है, और सतलज से लेके कहा जाता है कि यमुना, गंगा थोड़ा ऐसे आएगी, ठीक है, यमुना, यमुना तक का जो क्षेत्र, ये भी कहा जाता है गंगा नदी और यमुना नदी, ये हो गई। तो कहा जाता है कि बेसिकली सतलज से लेके यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है उसे, ये तो मैंने दिखाया है ब्रह्मावर्त बना के, उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था। आज दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र जो है लगभग ये कवर करेगा आज का जो है, ठीक है, ब्रह्मावर्त दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र जो है आज का उसको कवर करेगा, ठीक है। तो इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था, और इसे ही ब्रह्मावर्त को क्या कहा जाएगा, इसे ही कहा जाता था सेंटर ऑफ ऐसे लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, ये जो ब्रह्मावर्त है, ठीक है, ये जो ब्रह्मावर्त है इसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ
ऋग्वैदिक आर्यंस, ऋग्वैदिक कहेंगे या अर्ली वैदिक कहेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है दोनों का? ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम क्या है? 1500 टू 1000 बीसी, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड जो है उसका समय फिर 1000 टू 600 बीसी, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। पूरा समय जो वैदिक पीरियड का है वो क्या है? वो है 1500 टू 600 बीसी, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का। तो ये देखिए ब्रह्मावर्त कौन सा, ये क्षेत्र जो है इसे कहते थे सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। और ये जो मध्य देश है, ये मध्य देश को क्या कहा जाएगा ये भी जान लीजिए, फिर अगर हम जान ही रहे हैं तो ये समझ लीजिए, इसे कहा जाता था सेंटर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक आर्यंस, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको दोनों मिल गया। एक क्वेश्चन हमने बनाया था कि ऋग्वैदिक आर्यंस का केंद्र कौन सा था, तो ब्रह्मावर्त था, ठीक है। ये वाला क्षेत्र देखिए ब्रह्मावर्त लिखा है, फिर मैंने लाइन बना के यहां लिख दिया। और मध्य देश जो है सेंटर ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस यानी उत्तर वैदिक काल के जो आर्यंस थे उनका केंद्र था, ठीक है। वैसे मैंने डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है, बट एक ये पिन पॉइंटेड आपका वीडियो हो गया कि केंद्र कौन सा है ऋग्वैदिक आर्यंस का या पूर्व वैदिक आर्यंस का, अर्ली वैदिक आर्यंस का, और कौन सा केंद्र है यहां पर लेटर वैदिक आर्यंस का, ठीक है। तो ये हमारा जो मध्य देश है वो बन गया सेंटर ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस, जो ब्रह्मावर्त है जो आज का दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है ये था सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यंस का जो वैदिक आर्यंस का जो यहां पर विस्तार होगा, यहां पर मैंने बताया हुआ है गंडक नदी तक आकर ये विस्तार खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने गौतम राहुगण और उसकी कहानी बताई थी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यहां पर सरस्वती नदी के तट पर एक गौतम राहुगण, ये शतपथ ब्राह्मण में ये कहानी है, गौतम राहुगण और विदेह माधव ये दोनों खड़े हैं और यहां से विदेह माधव या विदेह माधव भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, उनके मुख से या उनके जिह्वा से कहते हैं कि वैश्वनर अग्नि निकलती है। तो ये जो अग्नि है या फायर है कहते हैं कि ये वो अग्नि है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तो इनके मुंह से आग का एक गोला निकलता है और ये जो है ये और गौतम राहुगण फिर चलते चले जाते हैं सब कुछ जलाते हुए। और यहां तक देखिए यहां से ये जब यहां पहुंचते हैं गंडक नदी तक, तो यहां गंडक नदी में आके ये आग बुझ जाती है और वैदिक आर्यंस का लेट, पहले तो ऋग्वैदिक आर्यंस का जो विस्तार था वो यहां पर था वेस्टर्न यूपी तक था, लेकिन अब पूरा वैदिक आर्यंस का विस्तार जो है वो उत्तर वैदिक काल के आर्यंस का वो यहां पर जाकर रुक जाएगा, यानी पूरे वैदिक काल के आर्यंस का जो विस्तार है वो गंडक नदी जिसे पुराने जिसका पुराना नाम साडीनारा है, साडीनारा ये गंडक पर आकर इसका इनका विस्तार रुक जाएगा। यहीं पे मगध और अंग भी हैं और दोनों को कहा जाता था दूरस्थ प्रदेश, क्यों? क्योंकि ये आर्यन कल्चर से अलग है, वैदिक कल्चर से बिल्कुल अलग है, बाहर है। और इन्हें धुर विरोधी भी कहा जाता था क्योंकि आपस में मतलब विरोधी भी थे एक दूसरे के। तो इस तरह से हमने देखा, उतना डिटेल हमें नहीं जाना है, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे गौतम राहुगण और विदेह माधव खड़े हैं, उनके मुंह से विदेह माधव के मुंह से आग का गोला निकलता है, सब कुछ जलाते हुए चलता है और फिर यहां पर गंडक नदी में आकर घुस जाता है, तो यहीं तक ये विस्तार हो जाता है। तो कहते हैं कि जो ये लेटर वैदिक आर्यंस का जो केंद्र है वो मध्य देश, यही पूरा मध्य देश है। हिमालय देखिए, हिमालय है और ये विंध्य पर्वत है, इनके बीच का जो क्षेत्र है यही मध्य देश है। ये सप्तसैंधव प्रदेश है, ठीक है, सात नदियां हैं इंडस, झेलम, उसके बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और फिर सतलज, और फिर उसके बाद ये सरस्वती को भी ले ले, तो सात नदियों का ये जो क्षेत्र है इसे सप्तसैंधव प्रदेश कहते हैं। कई बार मैंने बताया है लेकिन आज हमें जानना था इसे कि ब्रह्मावर्त क्या था भाई, और ब्रह्मावर्त को कहते थे सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस, यानी कि ऋग्वैदिक आर्यंस आप लिख लीजिए, ऋग्वैदिक आर्यंस का
केंद्र या ऋग वैदिक काल का केंद्र इसको कहते थे और मध्य देश को उत्तर वैदिक काल का केंद्र कहते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए इससे आपको कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मसी प्रदेश, मध्य देश, ये तो हो ही जाएगा। और साथ साथ ये दो क्वेश्चन निकल के आएंगे, सवाल पूछ रहे एग्जाम में कि भाई ऋग वैदिक आर्यंस का केंद्र कहां था, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि ब्रह्मावर्त। उत्तर वैदिक आर्यंस का केंद्र कहां था, तो मध्य देश, आप तुरंत जवाब देंगे। तो इस तरह से ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।